जुहार हजारीबाग, मेरे साथ एक लड़का है साहिल। 6 लड़कियां जो नदी में डूब रही थी कर्मा पर्व को लेकर डाली विसर्जन करने के लिए गई थी, उनको साहिल ने बचाया है। इसने तीन लड़कियों को बचाया है, नाम था पायल, अनीसा और लक्ष्मी। 6 लड़कियां जा रही थी नदी में और कर्मा पूजा को लेकर डाली विसर्जन करने के लिए जा रही थी, आइए जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साहिल जो है एक हाथ से दिव्यांग है, एक्सीडेंट में इसका एक हाथ टूट गया था, फिर भी इसने हिम्मत दिखा के इन लड़कियों को बचाया। आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ था पूरी घटना। उन लोग नहा रहे थे ढेर सला तो आधा चल गया, तो लोग 6 को बची, 6 को मैं आधा दूर कम से कम वहाँ तक गई और उसका छोटा छोटा भाई थी चिल्ला लगा कि मेरा बहन को बचाओ मेरा बहन। तो हम लोग देखे तो हमारे दौड़ा दौड़ा खाली गंजी खोले तालाब गए, तो जाते जाते मतलब हम तीन लोग देखे और बाकी कोई नहीं मिला था। तीनों को हम निकाले और एक बिस्लाम जिसको निकाले ना काला कपड़े वाली को, तो वो हम ही को दाब दे रही थी। तो हम बहुत मुश्किल से निकले, तब उसको हाथ पकड़ के एकदम जोर से टाने, तब आई बाहर, फिर लाल कपड़े वाली के कांधा में लेकर के नाने। सबका तो नहीं बता सकते, बस 6 को ही हम लोग तो उनको बता सकते हैं। बताइए कौन कौन थी। एक तो अनीसा थी वो भी बच गई, लक्ष्मी थी वो भी बच गई, बाकी सपना और सरस्वती और दिव्या नहीं मिली। अच्छा, वो बेहोश हो गई थी। तो तीनों का तुम मतलब तीनों डूब रही थी एकदम, किसी को तैरने नहीं आता था। नहीं। और जो तीन लड़की जो और थी वो सब का हम नहीं देखे, नहीं देख पाए, अंदर चली गई एकदम। तो तुम क्या कर रहे थे, मतलब किस टाइम की? हम मछली फंसा रहे थे, उन लोग से पीछे आए थे। अच्छा, तब देखे कि चिल्ला रहा छोटा छोटा बच्चा था। हुआ कैसे, हुआ क्या हुआ बताओ। दीदी उन लोग ने गोड़ हाथ धोने गए तो इन लोग उसमें लुगा पहन रहे थे, तो उन लोग को ना बचाओ बचाओ तो ये गए ना बचाने, तो इन लोग भी धकलने लगा पानी, इन लोग भी तो उन लोग हम गए फिर देखे ना, सोचे ना कि मजाक कर ले इन लोग, तो फिर हम आए ना गाँव, फिर हल्ला करने लगे। हम सोचे कुछ बात होगा तो सोचे कि ऊपर तो जाकर देखेंगे, तो देखें ये सब बात है, तो हम तड़पे हैं सबको निकाले लगे, तो एगो दाब भी देते हैं, बस थोड़ा सा दाब के हम रह जाते हैं वहीं पर। अच्छा, कुछ कोशिश को खींच ले रहे थे। कुछ कोशिश करके हम हटे। हाँ। तब उसको टाने बड़ी वाली लड़की लोग के, तब हम लाल कपड़ा वाले को निकाले। तो तुमको तैरने आता है अच्छा से एकदम? हाँ, एक हाथ से पूरा तैर लेते हो। और क्या करते हो तुम ऐसे? स्कूल में जाते हैं पढ़ने के वास्ते। कौन स्कूल में पढ़ते हो? कैसी हाई स्कूल, दाटपुर। अच्छा, दाटपुर से आए हो, ठीक है। तो देखिए यही साहिल है जो इस गांव में, और किस तरह से बचाया इसने लड़की को वो बता रहा है कि तीन लड़कियां थी उनको बचाया, तीन और लड़कियां थी जो बहुत आगे तक चली गई जिनको बचा नहीं पाया। तो गांव में यही मछली मार रहा था और अचानक जब उसके भाई छोटे भाई ने चिल्लाया कि एक लड़की डूब गई है, इसको लेकर फिर आया। और हम लोग जिस गांव में आए हैं चाय कलम, वहाँ आप देख सकते हैं जो माहौल है बहुत दुख का माहौल है, क्योंकि एक साथ तीन लड़कियों का की मौत होना बहुत मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, बहुत दुखद घटना है इस एरिया की। हम लोग आए थे चौपारण बच्ची गांव में और इस लड़के के जज्बे को सलाम साहिल को, जिसने अपनी हिम्मत दिखाकर एक हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद तीन लड़कियों की जान बचाई है। हाँ, कितना था पानी का बहाव? गहराई बहुत पानी था, मतलब हम फिर संभल नहीं सक रहे थे कुछ, तुमसे भी ज्यादा पानी था। क्या डूब रही थी, कितनी दूर थी, तुम कितना दूर जाके बचाए? वो इस पार थी, हम उस पार थे। कितना दूर होगा मतलब? मतलब यहाँ से वो घर तक, लास्ट घर तक। लास्ट घर तक उतना दूर, मतलब वहाँ से तुम तैर के गए? अच्छा, और तुम रस्सी उसी कुछ नहीं था? कुछ नहीं, मतलब सही खींच के लेके आए सब, एक एक करके तीनों को लेके आए। उतना टाइम, कितना टाइम लगा होगा? मतलब हम तेजी मार रहे थे, रेत बहा रहा था और तेजी मार रहे थे, तब आते आते हमको जरा से लेट हुआ, तब लग एक डूबे वाली तो सबसे पहले उसी को निकाले सादा कपड़े वाली के, बाद में निकाले बड़की को, फिर सिकन में उसको निकाले लाल कपड़े वाली के, मतलब बड़की एक एक करके, मतलब एक ठो को निकाल के लाए फिर गए दूसरे को निकालने, फिर लेके आए फिर गए, ऐसे हुआ। अच्छा, और कोई नहीं था तुम्हारे? लाल काला कपड़े वाले हमको मार देते जान वहीं पर, बाकी हम कोशिश करके पकड़ ली थी, दाब रहे थे मुँह के नीचे, तो हम झटासा मार के छूटे, तब उसको हाथ पकड़ के घींचे, तब छोटी वाली को निकाले उसे छोटा वाली के। मतलब तुम मतलब काफी दूर था बचाने के लिए, काफी दूर, और साथ में कोई नहीं था तुम्हारे वहाँ? कोई नहीं आया। तो कितना देर के बाद लोग आया फिर, गांव वाला कितना देर के बाद आया? बस छोटा बच्चा भेजे घर, फिर आया। अच्छा, वो बच्चा फिर घर गया तब आया। तो ये जो बच्चा वहाँ पे देख रहा था सब घटना, तुमको निकालते हुए सब देखा बच्चा लोग देख रहा था? अच्छा, उसके बाद फिर बच्चा गाँव गया बोलने के लिए, जब निकाल के हम रख लिए बाहर तब आया। तुमको जब दबा रही थी तब हिम्मत नहीं हारा, तुमको ऐसा नहीं लगा दोबारा फिर जाएंगे फिर दबा देगी? नहीं, मतलब तुम लगा रहे हिम्मत नहीं हारा अपना। तो ये देखिए, इसका जो हाथ है वो एक्सीडेंट में, ये इसका कहना है कि, तो कब एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था? हम छोटे थे कुछ। तो कैसे हुआ था, साइकिल से, बाइक से, कार से? बाइक से। बाइक से, बाइक से गिर गए थे। तो ये प्लास्टर हुआ तो ठीक नहीं हो पाया? नहीं।
देखिए बाइक से एक्सीडेंट हो गया था जिसके दौरान इसका हाथ में जो प्रॉब्लम हो गया था और एक हाथ से अब ये शायद कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन अभी भी कितना हिम्मत करके इसने जो दिखाई है अपनी ताकत, इसको ब्रेवरी अवार्ड तो ज़रूर मिलना चाहिए। इस तरह के लोगों को सच में सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिल। ठीक है।